नमस्कार दोस्तों, बोल्स्काय में आपका स्वागत है। शहरों में ज्यादातर लोग पैकेट में मिलने वाले मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। इसे पॉस्चराइज्ड मिल्क भी कहा जाता है और इसके सेवन से जुड़ी कई कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बने रहती हैं। क्या आप भी इसे उबालकर पी सकते हैं? यानी ये सवाल आता है कि पैकेट वाले दूध को उबालना चाहिए या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ बातें। तो आपको बता दें, पैकेट में मिलने वाला दूध आज शहर ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है। ज्यादातर घरों में इसका सेवन मजबूरी के चलते किया जाता है, क्योंकि हर कोई पशुपालकों के पास नहीं जा सकता। पैकेट वाले दूध को उबालने को लेकर कन्फ्यूजन अक्सर लोगों में बना रहता है। बता दें कि ये पहले पॉइस्चराइज्ड यानी उबला हुआ दूध होता है और इसे उबालना उतना जरूरी नहीं होता है। इसके बावजूद लोग दूध को उबालते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसके विटामिन खत्म हो सकते हैं। पैक्ड मिल्क का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पॉइस्चराइज्ड करने के बावजूद यानी उबालने के बावजूद इसमें कुछ फीसदी कंटामिनेटेड मिल्क यानी दूषित दूध रह जाता है। इस तरह के दूध में यूरिया, ग्लूकोज आदि भी पाए जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस दूध को इस तरह तैयार किया जाता है कि ये कई दिनों तक चल सके, लेकिन अगर इसमें बैड बैक्टीरिया मौजूद है तो इससे कोई भी फूड पॉइजनिंग या पेट संबंधी कोई भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह के दूध का सेवन आपकी मजबूरी हो, लेकिन कई रिसर्च में सामने आया कि लंबे समय तक इसका सेवन करने से शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इसका कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। तो अगर आप भी पैकेट वाला दूध यूज करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।